हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिजिमेंटो एजुकेशन आपकी जुलाई 2018 यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में किस तरीके से हेल्प कर सकता है। देखिए, हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन से डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमारे पास जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं दैट इज़ फॉर यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस में एक्चुअल में क्या कट ऑफ जाती है और कितने बच्चे जो हैं वो इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं। ये जो डेटा है ये जनवरी 2017 का एग्जामिनेशन का डेटा है। इस डेटा में आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर साइंस है उसका सब्जेक्ट कोड है दैट इज़ 87, और कंप्यूटर साइंस में जो JRF एंड लेक्चरशिप के लिए कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम 2017 जनवरी में वो 68.57 मार्क्स थी, एंड फॉर लेक्चरशिप ओनली द कट ऑफ वॉज 62.86 मार्क्स। यानी कि अगर आपको JRF के लिए जाना है तो आपको एटलीस्ट 69% प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अब इसमें ये भी देख सकते हैं कि कितने बच्चे जो हैं वो JRF के लिए कट ऑफ कर पा रहे हैं। जैसे कि 2017 की जो कट ऑफ थी उसमें 26 यानी कि 26 बच्चों ने JRF के लिए क्वालिफाई किया, 26 स्टूडेंट्स, और यू कैन से 26 एस्पिरेंट्स, दैट शुड बी अ बेटर टर्म, 26 एस्पिरेंट्स ने JRF के लिए क्वालिफाई किया और 179 एस्पिरेंट्स ने लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन अगर आप कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी में 29 एस्पिरेंट्स ने JRF के लिए क्वालिफाई किया एंड 273 एस्पिरेंट्स ने JRF के लिए क्वालिफाई किया। इसी तरीके से एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी दैट इज फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के अंदर यू कैन फाइंड आउट कि कितने कैंडिडेट्स ने कट ऑफ के लिए को क्वालिफाई किया। अब देखिए, यहाँ पर जो एक चीज सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली है वो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी, वहां पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने JRF के लिए क्वालिफाई किया था वो जनरल कैटेगरी यानी कि नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी से काफी ज्यादा है। तो जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है दैट व्हाटएवर द रिजर्वेशन शुड बी, द रिजर्वेशन शुड नॉट क्रॉस द 50% मार्क, बट बिकॉज ऑफ द प्रीवियस पैटर्न, द ओल्ड पैटर्न ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, द नंबर ऑफ कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में है दे आर अलॉट मोर एज कम्पेयर टू द अनरिजर्व कैटेगरी। यानी कि रिजर्व कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने JRF को क्वालिफाई किया था एज वेल एज लेक्चरशिप को क्वालिफाई किया था एज कम्पेयर टू अनरिजर्व कैटेगरी। इसी वजह से जो 2017 जनवरी के बाद जो हमारा एग्जामिनेशन होना था मई और जून 2017 में, उसमें काफ़ी डिले हुआ बिकॉज हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो पेंडिंग था, और वो डिले होने के बाद जो एग्जामिनेशन है वो नवंबर 2017 में हुआ। और नवंबर 2017 में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया, वो था कि किस तरीके से हम लेक्चरशिप और JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को डिसाइड करेंगे। नवंबर 2017 में डिसाइड हुआ कि हम लोग 6% जो टॉप 6% कैंडिडेट्स होंगे दे विल बी सिलेक्टेड फॉर JRF एज लेक्चरशिप। पहले जो पैटर्न था उसमें और अब जो पैटर्न है उसमें काफ़ी चेंजेस आ चुके थे। इसी वजह से अगर आप नवंबर 2017 की कट ऑफ चेक करेंगे तो नवंबर 2017 में अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिजर्व कैटेगरीज। तो रफली इट इज़ 50% स्टूडेंट्स फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी इन 2017 क्वालिफाइड द JRF एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जामिनेशन, एज वेल एज द सेम काइंड ऑफ परसेंटेज इज ऑल्सो वैलिड फॉर JRF और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। ये किस वजह से हुआ? बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था कि यूजीसी नेट के पैटर्न, जो सिलेक्शन पैटर्न है उसको चेंज किया जाए, बिकॉज जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे थे एज कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी। और जो वो रीज़न ये था उसका कि जो क्राइटेरिया था, जिस क्राइटेरिया के थ्रू हम लोग सिलेक्शन करते थे असिस्टेंट प्रोफेसर JRF का, वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड था। लेकिन अब ये जो क्राइटेरिया है उसको चेंज कर दिया गया 2017 नवंबर में, और उसको चेंज करने के बाद हमारे पास जो न्यू क्राइटेरिया आया उसके अकॉर्डिंग हम ओवरऑल टोटल 60% कैंडिडेट्स जो ओवरऑल हैं, सॉरी 6% कैंडिडेट्स जो ओवरऑल हैं, दे विल बी क्वालिफाइंग द JRF एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसरशिप।
इस वजह से 2017 नवंबर के एग्जामिनेशन में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया इन जनरल कैटेगरी दैट वाज अ लॉट मोर एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस। जैसे कि आप प्रीवियस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 50% भी नहीं था, दैट वाज हार्डली 30% और 20% कैंडिडेट्स जो अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई किया था। लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हुआ उसकी वजह से एटलीस्ट 50% कैंडिडेट जो है उन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई किया। इस वजह से आप देख सकते हैं कि 2017 नवंबर का जो रिजल्ट था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। लेकिन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक्चुअली है कितना डिफिकल्ट ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको जानने के बाद ही आपको समझ आएगा कि आप कितने कॉम्पिटिशन के अंदर अपने आप को कम्पीट कर रहे हैं। देखिए, ये एक आर्टिकल है, ये 2017 नवंबर एग्जामिनेशन के बारे में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 7 लाख कैंडिडेट्स अपियर्ड, दिस इज द मेन वर्ड, अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन। टोटल 7 लाख बच्चों ने या तो टोटल 7 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन में अपियर किया। लेकिन फॉर्म किसने, कितने बच्चों ने फिल किया था और कितने कैंडिडेट्स ने फिल किया था? जो फॉर्म फिल किया था वो थे हमारे पास 4,09,439, यानी कि 4,09,439 मेल कैंडिडेट्स एंड 5,19,557 फीमेल कैंडिडेट्स। यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट थी उनकी जो संख्या है, उनकी जो मात्रा है, वो मेल कैंडिडेट से काफ़ी ज़्यादा थी। द नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स अलॉट मोर एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि इतने लोगों ने जब अपीयर किया तो इसमें से कितने बच्चे हैं और कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। ये एक डेटा है 2014 का, जो काफ़ी एक हिस्टोरिकल डेटा है, आज से 4 साल पहले का डेटा है। लेकिन मैं इस डेटा को यहाँ पर क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इस डेटा की मदद से आपको एक कॉम्पिटिशन जो है, एक्चुअल कॉम्पिटिशन जो है, वो फील होगा कि एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको कितने बच्चों से और कितने स्टूडेंट से कम्पीट करना है। जैसे कि ये 29 जून 2014 का जो डाटा है उसमें कितने बच्चों ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था, वो था हमारे पास 7,18,727। लेकिन इनमें से कितने बच्चों ने अपेयर किया, वो है 5,39,000। यानी कि टोटल 75%, यानी कि 75% फ्रॉम द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एक्चुअली अपियर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। 25% ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जामिनेशन में अपियर ही नहीं किया। यानी कि अगर 4 बच्चों ने एग्जाम फिल किया है तो 4 में से सिर्फ 3 बच्चे ही एग्जामिनेशन को देने के लिए गए, क्योंकि कुछ जो 4 में से 1 बच्चा था उसने एग्जामिनेशन इसलिए नहीं दिया, उसको लगा कि उसकी प्रिपरेशन नहीं थी। अब इसमें टोटल 30,229 कैंडिडेट्स ने अपीयर किया, यानी कि टोटल जितने कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था उसमें से सिर्फ 5.6% कैंडिडेट और 5.6% कैंडिडेट्स ने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप को क्वालिफाई किया। लेकिन अगर हम जेआरएफ की बात करते हैं तो जेआरएफ के केस में हमारे पास 4,76,709 बच्चे और 4,04,76,709 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 3,70,586 और कैन से 3,70,586 कैंडिडेट्स ने अपियर किया, जो कि परसेंटेज जो अपियर परसेंटेज थी वो थी 77.74%। लेकिन उनमें से सिर्फ 4,795 यानी कि 4,795 कैंडिडेट्स ने जेआरएफ को क्वालिफाई किया और जेआरएफ की पासिंग परसेंटेज थी 1.29%। मेक श्योर दैट इज 1.29। ओके, नाउ अब यही डेटा हम दिसंबर 2014 का लेते हैं। दिसंबर 2014 में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए 8,19,259 बच्चों ने अपेयर किया था, लेकिन रजिस्टर किया था, लेकिन उसमें सिर्फ 6,19,959 बच्चों ने अपीयर किया, जो कि अपीयरिंग परसेंटेज 75% थी, जिसमें से सिर्फ 5.76% बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए। और जेआरएफ के लिए 5,39,000 बच्चों ने अपीयर किया था लगभग, जिसमें से रजिस्टर किया था लगभग, जिसमें से 78.35 यानी कि 78.35 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, विच इज अपियर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड 3,702 यानी कि 3,702 बच्चों ने, कैंडिडेट्स ने जेआरएफ को क्वालिफाई किया, जो कि पासिंग परसेंटेज थी 0.88%, विच इज यू कैन से टॉप 1%। उसी तरीके से अगर आप प्रीवियस जो डेटा मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी कि हमारे पास टोटल 9 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, लेकिन सिर्फ 7 लाख कैंडिडेट्स ने ही नवंबर 2017 का एग्जामिनेशन दिया था, जिसमें से अगर आप
कंप्यूटर साइंस की परसेंटेज को निकालते हैं तो कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं कि टॉप 1% और 2% कैंडिडेट्स ही हैं जो कि जेआरएफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, और टॉप कह सकते हैं कि 5 और 6 टॉप 6% कैंडिडेट जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप को क्वालिफाई कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको टॉप 1% कैंडिडेट के अंदर आना ही आना होगा। अगर आप टॉप 1% कैंडिडेट में आएंगे तभी आप जेआरएफ को क्वालिफाई करेंगे। अब ये जो पासिंग रेट है, ये देखिए 2000 ये दो साल पहले की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर में 5 से 6% बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसमें से केवल 1 से 1.5% बच्चे ही हैं जो हैं एक जेआरएफ को क्वालिफाई कर पाते। टोटल जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसमें सिर्फ 1 से 1.5% बच्चे ही जेआरएफ को क्वालिफाई कर पाए। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले आप देख लीजिए हम लोग किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमने UGC NET कंप्यूटर साइंस के लिए वी हैव क्रिएटेड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स और वीडियो स्टडी मटेरियल विच इज़ पॉसिबल, हमने उसको बनाया है। अगर आप ऑनलाइन स्पेस में कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी वेबसाइट पर विजिट करेंगे, कहीं पर भी जाएंगे, कोई भी अगर ट्यूटोरियल आपको आप फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे सबसे जो अच्छा मटेरियल है वो हम लोगों ने ही प्रोवाइड किया है, और सबसे अच्छा मटेरियल जो वीडियो लेक्चर्स मटेरियल है वो हम लोगों ने UGC NET एग्जामिनेशन के लिए बनाया है। लगभग हमने जो UGC NET कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए अब तक लगभग 4500 प्लस यानी कि 4500 से ज़्यादा वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं जो कि सब्सक्रिप्शन बेसिस पर अवेलेबल हैं। YouTube पर इन 4500 में से सिर्फ 500 वीडियोस हमने अपलोड किए हैं ताकि आप हमारे कंटेंट की क्वालिटी को जान सकें। अगर आप अभी हमारे कंटेंट की क्वालिटी को जान चुके हैं तो आप इजीली इन बाकी सभी लेक्चर्स की क्वालिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए हमने जो ये वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं ये इस हिसाब से बनाए हैं कि आप कहीं पर भी अपनी सुविधा के अनुसार अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू कैन स्टडी एनीवेयर एट एनी टाइम पॉसिबल। आप सुबह 4 बजे पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 4 बजे पढ़ सकते हैं, और आप शाम को 7 बजे पढ़ना चाहते हैं, रात को 12 बजे पढ़ना चाहते हैं तो रात को 12 बजे भी पढ़ सकते हैं। और हर एक जो वीडियो लेक्चर है वो इतना एंगेजिंग है कि आप सभी कॉन्सेप्ट्स को थॉरली बिल्कुल इन डेप्थ तरीके से जान लेंगे। अब जो 2000 जो ईद आ रही है, जो ईद फेस्टिवल है विच इज़ आफ्टर 2 डेज बिफोर द ईद फेस्टिवल एक्सपायर्स देयर इज अ 20% डिस्काउंट और 20% ऑफ दैट इज ईद फेस्टिवल ऑफर दैट वी आर प्रोवाइडिंग। अगर आप 17 तारीख यानी कि आज से 2 दिन बाद से पहले अगर आप रजिस्टर करते हैं वीडियो लेक्चर्स के लिए तो आप 20% ऑफ वीडियो लेक्चर्स में ले सकते हैं। अब ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं हमने 3 पैकेजेस में बनाए हैं। पहला है हमारा 3 मंथ्स का पैकेज, दूसरा है हमारा 6 मंथ्स का पैकेज, और तीसरा है हमारा 1 ईयर का पैकेज। इनमें डिफरेंस क्या है? काफ़ी सात बार बच्चे जो हैं हमसे पूछते हैं कि 3 महीने 6 महीने और 1 साल के जो पैकेज है उसमें डिफरेंस क्या है। देखिए हम जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली बनाते रहते हैं, जैसे कि हर हफ्ते एवरी वीक वी मेक न्यू लेक्चर्स जो कि हम अपने पैकेजेस में ऐड करते रहते हैं। अब अगर आप 3 महीने का पैकेज अभी आप लेंगे या 6 महीने का लेंगे या 1 साल के लेंगे, तीनों पैकेजेस के अंदर इनिशियली हम आपको ये 4500 जो वीडियोस हैं यानी कि 4500 से ज़्यादा जो वीडियोस हैं ये हम आपको असाइन करेंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि हम हर एक पैकेज के अंदर जो अपडेशंस करते हैं वो वीकली अपडेशंस होते हैं, यानी कि हर हफ्ते हम अपडेशंस करते हैं। तो 3 महीने तक जो भी अपडेशंस होंगी वीडियो लेक्चर्स की वो आपको मिलती रहेंगी, और 6 महीने वाले पैकेज में अगले 6 महीने तक जो अपडेशंस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी, और 1 साल वाले पैकेज में 1 साल तक जो अपडेशंस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। जैसे कि पिछले 1 साल के अंदर हमने लगभग 3000 नए लेक्चर्स को बनाया है, यानी कि वी हैव मेड मोर देन 3000 न्यू लेक्चर्स पिछले 1 साल के अंदर। अब ऐसा हो सकता है कि आफ्टर 1 ईयर जो आप 1 साल का पैकेज मिलेगा उस आप अगर आप लेंगे तो उसमें आपको 6000 प्लस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और जो वैलिडिटी है वो 1 साल तक रहेगी, यानी कि हमारे जो लेक्चर्स हैं आपको 1 साल तक देख पाएंगे। और 3 साल वाले पैकेज के अंदर आपसे 3 महीने वाले पैकेज में आप सिर्फ 3 महीने तक हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख पाएंगे। तो ये जो पैकेज की जो ड्यूरेशन है वो आप अपनी अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा पैकेज लेना चाहते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको ऑलरेडी हमारी क्वालिटी के बारे में पता होगा, और मैं शर्त से कह सकता हूँ कि इससे अच्छी क्वालिटी अगर ऑनलाइन स्पेस में कोई और दे सकता है तो मैं आपको जो फीस है वो आपकी पूरी रिफंड कर दूंगा। बट सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वीडियो लेक्चर्स की वो इस समय पर सिर्फ और सिर्फ हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ UGC NET कंप्यूटर साइंस विद अदर ऑल द सब्जेक्ट्स जो UGC NET में भी आते हैं, और ऐसे सब्जेक्ट
जो सिर्फ यूजीसी नेट में आते हैं, किसी और एग्जामिनेशन में नहीं आते, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग है, यूनिक्स है, ये जो सब्जेक्ट हैं ये गेट में नहीं आते, लेकिन ये सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट में ही आते हैं. सो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल विच इज पॉसिबल फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एंड नो वन हैज एवर प्रोवाइडेड दिस काइंड ऑफ गुड मटेरियल. तो काफ़ी बच्चों से हमें काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है इस मटेरियल की वजह से. और काफ़ी बच्चे ने जो नवंबर 2017 एग्जामिनेशन में जिन्होंने क्वालिफाई किया है, आई कैन शो यू लिटरली देयर स्क्रीन शॉट्स, देयर वॉइस कॉल्स, देयर मैसेजेस, कि उन्होंने हमारे वीडियो लेक्चर से कितने जेआरएफ को और यूजीसी नेट दोनों चीज़ों को, टीचिंग असिस्टेंटशिप को, दोनों को काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया है. और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया. तो आप इसका एक अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं कि यूट्यूब पर हमारे पास 70,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. हमारे पास दो बड़े चैनल्स हैं जिसमें 70,000 ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. 70,000 बच्चे हम पे ट्रस्ट करते हैं. और हमारे पास इस समय पर लगभग 1400 से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, यानी 1400 ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे कोर्सेज को लिया हुआ है. ओके, तो चलिए, अगर आपको इसके बारे में इंक्वायर करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे, जो है 9821876104 और 02. इंस्टेड ऑफ 04 आप 02 पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर कीजिए admin@gatelectures.com, admin@gatelectures.com. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए, ये एक जो इमेज मैंने आपके सामने यहाँ पर डाली है, ये इमेज है रणजी ट्रॉफी की. अब ये रणजी ट्रॉफी है क्या? अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट बार बार खेलते हैं, तो आपको पता होगा कि रणजी ट्रॉफी एक मैच है, जो एक टूर्नामेंट है जो कि हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है, क्रिकेट टूर्नामेंट है. और रणजी ट्रॉफी से ही नेशनल लेवल के प्लेयर्स को सिलेक्शन किया जाता है. तो जब ये रणजी ट्रॉफी के मैचेस होते हैं तो इन मैचेस के अंदर जो ऑडियंस आती है वो बहुत ही कम होती है. देयर इज वेरी फ्यू ऑडियंस इन रणजी ट्रॉफी. काफ़ी बार ऐसा होता है कि खाली स्टेडियम के साथ रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले जाते हैं, जबकि ये भारत देश की एक सबसे महत्वपूर्ण ट्रॉफीज़ में से एक है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट. अगर आप आईपीएल देखते हैं तो आईपीएल के जो सिलेक्शन है प्लेयर्स के, वो भी सिर्फ रणजी ट्रॉफी से ही किए जाते हैं. अभी जो रणजी ट्रॉफी है ये एक एक्ट करता है एज ए प्रैक्टिस ग्राउंड, बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी. प्रैक्टिस करना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन का. बिना प्रैक्टिस के आप एग्ज़ाम में नहीं जा सकते. ओके, तो अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिस इज़ यू नो डेली प्रैक्टिस इम्प्रूव्स योर क्वालिटी, इट इम्प्रूव्स योर कैलिबर ऑफ परफॉर्मेंस. सो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम में जाने से पहले और किसी भी महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के पास जाने से पहले. तो जिस तरीके से रणजी ट्रॉफी एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनता है, यानी कि जिस तरीके से रणजी ट्रॉफी में हम खिलाड़ियों को निकालते हैं कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा है और जो भी खिलाड़ी है, बिकॉज वहाँ पर कोई आपकी बुराई करने के लिए नहीं होता. रणजी ट्रॉफी में अगर आप देखेंगे तो ऑडियंस इतनी कम होती है स्टेडियम के अंदर कि आपकी बुराई करने के लिए बहुत ही कम होते हैं लोग होते हैं. तो उसी तरीके से जब आप एग्जामिनेशन में आप जाएंगे तो जो यानी कि एक्चुअल मैच में अगर आप जाएंगे, चाहे वो आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो, तो इतनी बड़ी ऑडियंस जब आपके पास होते हैं, जब 50,000 से 60,000 लोग आपको एक साथ स्टेडियम के अंदर देख रहे होते हैं और पूरे देश में करोड़ों लोग आपके मैच को देख रहे होते हैं, उस समय पर आपको परफॉर्म करने में डर नहीं लगता, क्योंकि आपने रणजी ट्रॉफी में इतनी एक्सरसाइज और इतनी प्रैक्टिस कर ली होती है कि आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन जाने से कोई भी किसी भी तरह का डर नहीं होता कि आप परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. सेम उसी तरीके से जो हमने टेस्ट सीरीज़ बनाई है, टेस्ट सीरीज़ जो है हमारी, वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड है. और इट इज़ फुली एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज, जहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं. और आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे. लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. लास्ट टाइम जो एक्चुअल यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हुआ था, उस एग्जामिनेशन में हमारे टेस्ट सीरीज में से लगभग 69%, यानी कि 69% जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे टेस्ट सीरीज में से ही पूछे गए थे. इनडायरेक्टली का मतलब है कि ऐसे वो क्वेश्चन जो कि सेम पैटर्न पर बेस्ड हैं और सेम तरीके से आधारित है. यानी कि अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी लेते हैं तब भी आप काफ़ी हद तक 70% जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल एग्जामिनेशन में इस टेस्ट सीरीज में से ही आए थे. ओके, अब जो टेस्ट सीरीज है उसमें हमारे पास दो पैकेजेस हैं. एक है हमारे पास 18 टेस्ट का पैकेज जिसमें अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है. दूसरा है हमारे पास 36 टेस्ट का पैकेज जिसमें 30% डिस्काउंट चल रहा है फॉर द फर्स्ट 1000 यूजर्स. मैं इस टेस्ट सीरीज की जो अनाउंसमेंट है वो काफ़ी पहले भी एक बार कर चुका हूँ.
अभी हमारे पास लगभग लगभग 600 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर किया हुआ है। तो जो 18 टेस्ट का पैकेज है, इस 18 टेस्ट के पैकेज को आप लगभग 1600 रुपये में आप ले सकते हैं। एक्चुअल की जो 18 टेस्ट की कॉस्ट है वो है हमारे 2000 रुपीज़, लेकिन 2000 में 20% डिस्काउंट देने के बाद आप 1600 में इन टेस्ट को अवेल कर सकते हैं। और जो हमारा 36 टेस्ट का पैकेज है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट है 3000 रुपीज़, लेकिन आप इसको इस समय पर 2400 में अवेल कर सकते हैं। ये हमारे फर्स्ट 1000 यूज़र्स के लिए है। ओके, तो जो डिस्काउंट की परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है इन 3000 रुपीज़ पैकेज ऑल्सो। तो अगर आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो हम और हमारी जो पूरी टीम है वो आपके साथ है, और जो हमारी टीम है इट इज़ वेल क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ UGC NET एग्जामिनेशन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ गेट एग्जामिनेशन। सो दे आर हाफ ऑफ माई टीम इज JRF क्वालिफाइड, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी टॉप 1% में आते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी टॉप 1% में आते हैं, वही हमारे टीम के अंदर है। और उन्होंने जो टेस्ट सीरीज जो आपके लिए डिज़ाइन की है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज जो कि अवेलेबल है ऑनलाइन फॉर UGC NET एग्जामिनेशन। तो अब ये आपकी चॉइस है, आइदर यू वॉन्ट टू गो फॉर वीडियो लेक्चर्स और यू वॉन्ट टू गो फॉर टेस्ट सीरीज, बट बोथ द थिंग्स ट्रस्ट मी दे आर रियली गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू डू वेल इन योर जुलाई 2018 एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन विच माइट हेल्ड इन डिसम्बर और जनवरी 2019। ओके, सो माई बेस्ट विशेज आर विद यू। अगर आपको कोई भी पैकेज हमसे लेना है तो आप इन प्रोवाइडेड कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। तो कोशिश हो कि अगर आप हमें ईमेल में अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करेंगे तो हम आपको दोबारा से कॉल बैक अरेंज कर देंगे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पास इतनी कॉल्स आती हैं कि कुछ बच्चों की जो कॉल्स है वो इग्नोर हो जाती है, काफ़ी बार हो सकता है ऐसा। तो बेटर है कि अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल भी करेंगे साथ में तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और हम आपको प्रॉपर तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है हमारे लिए तो प्लीज़ हमें ज़रूर लिखिएगा, हम लोग आपके सजेशन को कंसिडरेशन में लेंगे और जो अपनी तरफ से बेस्ट हो सकता है वही आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंड थैंक यू एंड लव यू।